The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस के बारे में पहले बात करते हैं, आपको बताते हैं क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस यानी गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन बहुत ही कॉमन चीज़ है। जब गॉल ब्लैडर के स्टोन का ऑपरेशन होता है तो उसका कारण होता है ये कोलेसिस्टाइटिस। सो कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है जो गॉल ब्लैडर के अंदर आइटिस इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन के बारे में हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में देखा था। और कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है सूजन आना और गॉल ब्लैडर के अंदर इरिटेशन होना। अब गॉल ब्लैडर के अंदर इरिटेशन क्यों होगी, बहुत से कारण हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में हो रही है और बढ़ते जा रही है तो उसे एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बोलेंगे, जो कि एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कि आपको तुरंत अस्पताल दौड़ना पड़ेगा, आपको गॉल ब्लैडर निकालना भी पड़ सकता है, आपको हॉस्पिटल में इतना दर्द होगा कि आप बेड से ऊपर ऊपर कूदेंगे, क्योंकि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बिल्कुल रीनल कोलिक यानी किडनी के अंदर स्टोन आए या गॉल ब्लैडर में स्टोन, उसके दर्द के बराबर होता है। बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक दर्द होता है, राइट। सो यही चीज़ अगर एक्यूट यानी कुछ दिनों में हो रही है तो एक्यूट है, कुछ महीनों में हो रही है, टाइम लंबे समय कंटिन्यूसली बीच बीच में हो रही है तो उसे क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिक, क्रोनिक यानी लंबा। हम समझते हैं गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे है, उसमें बाइल जमा होता है और बाइल हेल्प करता है आपके डाइजेशन में। तो क्यों होगा आपको क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस या किसी भी प्रकार का कोलेसिस्टाइटिस का कारण आखिर होता क्या है, ये बात याद रखिए। यहाँ पर क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस बिना एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के नहीं हो सकता, इसलिए आपको क्रोनिक समझा रहे हैं क्योंकि एक्यूट आपको बीच में समझ ही जाएगा। सो अगर आपको क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस हो रहा है उसका मतलब ये है कि आपको बार बार छोटा सा कम लेवल में एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो चुका है, यानी गॉल ब्लैडर में एक्यूट इन्फेक्शंस बार बार हो चुके हैं, या फिर कई बार ये एक स्टोन के वजह से होते, मतलब कई बार तो नहीं, सबसे कॉमन कारण ही इसका स्टोन है। तो सबसे कॉमन कारण है स्टोन जिनके वजह से आपको होते हैं इस प्रकार के प्रॉब्लम्स, राइट। सो हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर आपको हो रहा है ऐसे स्टोन के प्रॉब्लम्स तो क्या हर पेशेंट को स्टोन में कोलेसिस्टाइटिस होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर हर पेशेंट को कोलेसिस्टाइटिस नहीं होगा तो किसको होगा? जिसका स्टोन बड़ा है, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हिलते हैं अंदर या गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बड़े होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, तो वो रगड़ते हैं, वो फ्रिक्शन कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर की जो वॉल है, जो दीवारें हैं, वो मोटी होती जाती हैं, थिक होती जाती हैं, और गॉल ब्लैडर जो है अपने आप में सिकुड़ता जाता है स्टोन के इन्फ्लामेशन के वजह से। ये होता है एग्जैक्टली इसलिए कई बार आपकी रिपोर्ट्स में आता है गॉल ब्लैडर श्रंकन, गॉल ब्लैडर वॉल थिकन, ये सब लिखी आती है अल्ट्रासाउंड में। इसके अलावा लंबे समय में क्या होता है, यही सर्व के चलते जो खुद का गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को, पित्त को गाढ़ा करना, उसको कॉन्सेंट्रेट करना, उसको रिलीज करना सही वक्त पे, वो नहीं कर पाता, राइट। ये चीज़ फीमेल्स में ज़्यादा होती है, मेल्स में थोड़ी कम होती है, और ये 40 की उम्र के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और साथ ही प्रेगनेंसी में बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने वालों को भी थोड़ा सा हाई रिस्क होता है इस चीज़ के होने का, ये आपको समझना होगा। अब सबसे बड़ी बात जिसके लिए आप आए कि भाई इसका सिम्टम क्या होंगे, आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिम्टम क्या है, जब हम अगर क्रोनिक की नहीं, हम एक्यूट की बात करेंगे, जब एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस होता है, जब पेन होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, राइट। और ये चीज़ उस समय बताना बहुत मुश्किल है कि ये एक्यूट है कि क्रोनिक है। ऑब्वियसली उस समय तो एक एक्यूट का अटैक है, ये बार बार हो रहा है तो क्रोनिक वाले, ठीक है। सो एक्यूट के अटैक में आपको एक शार्प पेन होगा, जो थोड़ा डल एकिंग होगा, लेकिन क्रैम्प साइड होगा, कोई चीज़ किसी चीज़ को मरोड़ रही है अंदर, और ये क्या होगा, राइट साइड में, अपर साइड में, पेट के ऊपरी हिस्से में, राइट साइड अपर साइड में, ठीक है। ये पेन जो है लंबे समय तक रह सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट के आसपास रह सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर इतना रहता है।
और ये पेन आपके बैक में जा सकता है, आपके राइट शोल्डर में जा सकता है, बहुत शोल्डर ब्लेड में, और लैटरिन में इशू आएगा, आपको क्ले कलर्ड स्टूल्स आ सकते हैं, क्ले क्ले यानी वाइटिश कलर के आपके लैटरिन आ सकती है, आपको उल्टी आ सकती है, आपको नौजिया हो सकता है, क्योंकि आपके फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपके अंदर बाइल आपके लैटरिन में नहीं जा रहा है, तो बाइल जो लैटरिन को कत्थई ब्राउन कलर देता है वो नहीं जा रहा है, तो आपको ब्राउन कलर नहीं मिलेगा, वेरी सिंपल। और अगर बाइल लैटरिन में नहीं जा रहा है तो फिर बाइल आपके ब्लड में जाएगा, क्योंकि लिवर जो बनाता जाएगा वो ब्लड में इकट्ठा होगा और फिर जॉन्डिस हो जाएगा, येलो येलो कलर के आपकी आईज, आपके स्किन, आपके आँखों के आसपास जो वाइट है वो आपको येलो दिखाई देने लगेगा। सो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं एक कोलेसिस्टाइटिस के। कारण क्या? बस स्टोन है या कोई किसी और इन्फेक्शन के वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन है, सिकुड़ गया, गाढ़ा नहीं कर पा रहा, रिलीज नहीं कर पा रहा, वहाँ नहीं जा रहा तो यहाँ चला जाएगा भाई, ये है, वेरी सिंपल, कोई मोटा साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। समझ आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, राइट, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और इसके टेस्ट क्या होते हैं? इसके टेस्ट में ऑब्वियसली हमें पहले दूसरी बीमारियों को रूल आउट करना होगा, क्योंकि पैनक्रियाज उसके बहुत रिलेशन में है, तो पैनक्रियाटाइटिस तो नहीं है, तो इसलिए एक अमाइलेज और लाइपेज टेस्ट होगा। इन्फेक्शन तो नहीं है, इसलिए हमको CBC लेवल कराना होगा, लिवर फंक्शन कराना होगा कि भाई लिवर सही काम कर रहा है या लिवर खराब हो रहा है, लिवर फंक्शन कराना होगा, अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन करके देखना होगा कि गॉल ब्लैडर के अंदर का हाल क्या है, उसकी वॉल की थिकनेस क्या है, उसके अंदर पथरी है, स्लज है, पस है, क्या है, राइट। कई बार पत्थरी नहीं होती है, पत्थर का एक सैंड होता है, सैंड यानी रेत जैसी पत्थरी बहुत सारी छोटी छोटी होती है, कंकर, उसको कई बार स्लज भी कहते हैं। और गॉल ब्लैडर में एक हिडा स्कैन, HIDA हिडा स्कैन भी कर सकते हैं, या फिर कोलेंजियोसिस्टोग्राम नाम का टेस्ट भी कर सकते हैं गॉल ब्लैडर की बीमारियों को पकड़ने के लिए। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या? ट्रीटमेंट में अगर आपको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस है, बार बार हो रहा है, एक्यूट वाले में तो देखिए कोशिश होती है कि दर्द आराम हो जाए, इंजेक्शंस लगाएं, इंजेक्शंस एंटीबायोटिक पेन किलर गैस के बहुत सारे इंजेक्शंस ऐसे लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, और आराम हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं आराम हो रहा है, दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो हम वेट नहीं कर सकते कि गॉल ब्लैडर फूट जाए या कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो, तो सर्जरी की जाती है। और अगर बार बार हो रहा है यानी क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस है, तो बेस्ट ऑप्शन तो सर्जरी होता है, क्योंकि सर्जरी मतलब बेस्ट तो नहीं कहेंगे, मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है, सर्जरी से गॉल ब्लैडर निकल जाता है, गॉल ब्लैडर कोलेसिस्टेक्टॉमी, गॉल ब्लैडर गया, इन्फ्लामेशन गया, पेन गया, बिल्कुल सही। लेकिन यह सर्जरी क्या सबको करानी चाहिए? ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन पे। अगर आपका पेन बहुत फ्रीक्वेंट है, लाइफ आपकी अफेक्ट हो रही है, पेन किलर ज़्यादा खा रहे हो, उसके भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, पेट में अल्सर्स बन रहे हैं, एक से दूसरी बीमारी, दूसरे से तीसरी बीमारी, सो इट्स बेटर कि एक गॉल ब्लैडर को निकाल दें। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजेबल कंडीशन है, तो लाइफस्टाइल पे आपको देखना होगा, नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे आप ठीक ठाक जिंदगी आराम से जी लें। और अगर सर्जरी करानी ही है तो दो तरीके की सर्जरी होती है, एक तो ओपन कोलेसिस्टेक्टॉमी होती है और एक होती है लैप्रोस्कोपिक, जिसमें सिर्फ दूरबीन से छेद किया जाता है और पेट से आपके निकाल दिया जाता है गॉल ब्लैडर को, राइट। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप सर्जरी करने के लायक नहीं है, सर्जरी कर नहीं सकते, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में स्टोन्स को डिसॉल्व भी किया जा सकता है दवाइयों से। जी हाँ, हमने पहले भी बताया स्टोन्स डिसॉल्व होते हैं, लेकिन वो दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में भी नहीं होते, उसको सालों लगते हैं, 1 से 2 साल लगता है एक अच्छे खासे साइज के स्टोन को डिसॉल्व होने में, और उसके लिए भी स्टोन वापस भी आ सकता है अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी। उसके लिए अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड यूडीब्लिव नाम की दवाई होती है, जो आपको डॉक्टर ऑलमोस्ट हर लिवर के या हर गॉल ब्लैडर के पेशेंट्स की चल रही होती ही है, ये बात याद रखिए। तो ये हुई बातचीत सिंपल सी कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है गॉल ब्लैडर में। अगर आप बोलेंगे कि सर प्रिवेंट कैसे करूं, मुझे नहीं है, मैं बचूं कैसे इससे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, ये कंडीशन प्रिवेंटेबल है, बिल्कुल है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज फैट, चर्बी वाली चीज़ें कम खाइए, जो भी है रेगुलर में खाइए, ऐसे नहीं कि 2 महीने बिल्कुल नहीं खाया और फिर ले दबा के, वो गलत करेगा, ठीक है।
गॉल ब्लैडर को जितना काम करवा रहे हो रेगुलर में कराओ, उसको आदत हो कि हाँ मेरे को इतना ही काम आता है, मैं इतना काम करता हूँ, राइट, जितनी चर्बी है पचा लेता हूँ, इतना इतना चाहिए, और धीरे धीरे अपने फैट लेवल्स कम करते जाइए. लो फैट डाइट इज़ वेरी गुड, राइट, इज़ कैन प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम. सो ये हुई बात दोस्तों एक गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स की. चाहे स्टोन हो चाहे कोलेसिस्टाइटिस हो, अल्टीमेटली ट्रीटमेंट यही है, अल्टीमेटली टेस्ट यही है, अल्टीमेटली सिम्टम यही है. तो ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज कवर्ड, सो यू आर कवर्ड. मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, मेक श्योर टू आस्क योर क्वेश्चंस, आई एम देयर टू आंसर. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. आई एम डॉक्टर परमजीत.